हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल हैंडशेक मेडिकल यूट्यूब चैनल। आई कृतिका त्रिवेदी इज अगेन हियर विद टू गाइड यू। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी दैट इज कैनाबिस इंडिका। सो बी विद मी फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड टू कमांड दिस टॉपिक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो कैनाबिस इंडिका ये मेडिसिन जो है ये भांग के पौधे से बनाई जाती है, ठीक है। इसका कॉमन नेम इंडियन हेम्प है एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली अर्टिकेसी। इसी फैमिली से बिलोंग करने वाला जिस एक और मेडिसिन जिसके प्रूवर डॉक्टर सीएफएस हैनीमन सर हैं, और इसी से बहुत ही सिमिलर नेम है, इस मेडिसिन से बहुत ही सिमिलर नेम है, वो है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैनाबिस इंडिका जो कि भांग से बनता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कैनाबिस इंडिका का कॉमन नेम है इंडियन हेम्प और कैनाबिस सटाइवा का कॉमन नेम क्या है? अमेरिकन हेम्प, ठीक है। एंड बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली दैट इज अर्टिकेसी, ठीक है। अब हम इसके मेंटल सिम्टम को मेंटल जनरल को स्टार्ट करते हैं। तो कैनाबिस इंडिका के जो पेशेंट होते हैं दे आर वेरी फॉरगेटफुल, कहते हैं ना बहुत ही भुलक्कड़ है आदमी, वो बहुत ही ज्यादा भूलते हैं, बहुत ही ज्यादा भूलते हैं, ठीक है। They forget their last word and ideas. वो अपने वो मान लेते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन करते करते वो अपने अंतिम शब्द को, अंतिम आइडिया को, क्या बोल रहे थे वो भूल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो किसी सेंटेंस को बिगिन कर रहे हैं, किसी सेंटेंस को बिगिन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं किसी सेंटेंस को बिगिन कर रहे हैं, दे बिगिन अ सेंटेंस एंड दे फॉरगेट दैट व्हाट दे इंटेंड्स टू स्पीक, व्हाट दे वांट टू स्पीक, ठीक है। वो किसी सेंटेंस को बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं किसी सेंटेंस की, और वो भूल जाते हैं कि वो बोलना क्या चाहते थे, वो बोल क्या रहे थे, ठीक है। इनमें इनएबिलिटी टू रिकॉल देयर पास्ट थॉट्स एंड आइडियाज, जो उनके जो पास्ट थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, ठीक है, उनको ये रिकॉल करना चाहते हैं लेकिन वो रिकॉल कर नहीं पाते क्योंकि इनके माइंड में इतने सारे से कंफ्लिक्ट्स, इतने सारे से आइडियाज कि क्राउड चलते रहते, इतनी भीड़ हो, मतलब इतना सारा इनके दिमाग में चीजें इतनी चलती रहती हैं कि ये अपने पास्ट इवेंट्स को, पास्ट थॉट को रिकॉल करना चाहते हैं लेकिन ये रिकॉल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ क्राउड इन देयर ब्रेन, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस की रेमेडी और भी रेमेडी है कैनाबिस इंडिका के अलावा, एनाकार्डियम है, जैसे लेक्टेनाइनम है, ठीक है। एनाकार्डियम में क्या होता है, दे आर ऑल्सो फॉरगेटफुल, और उसमें क्या होता है कि वो फॉरगेटफुल तो होते ही हैं, वो काफी केयरलेस, मतलब वो बिजनेस के लिए अनफिट माने जाते हैं, ठीक है। और लेग कैनाइनम में क्या है कि लेग कैनाइनम एब्सेंट माइंडेड होता है, वो भी फॉरगेटफुल होता है और एब्सेंट माइंडेड होता है, इसको समझे। फॉर एग्जाम्पल लेग कैनाइनम का पेशेंट जो है वो कुछ सामान खरीदने बाहर जाता है, मार्केट जाता है, वो कुछ परचेस भी करता है लेकिन वो परचेस करके ये भूल जाता है, वो उस सामान को अपने साथ ले जाना भूल जाता है, ठीक है। वो उसने सामान खरीदा, वो परचेस किया लेकिन उस चीज को अपने साथ कैरी नहीं किया, वो ऐसे ही चला गया भूल करके, ठीक है। तो इस तरह की फॉरगेटफुलनेस कैनाबिस इंडिका, एनाकार्डियम और लेग कैनाइनम में होता है। और क्या होता है कैनाबिस इंडिका में, दे आर कॉन्स्टेंटली थियराइजिंग, वो थियोरीज बनाते रहते हैं, ठीक है। वो अपने मतलब उनके दिमाग में हमेशा आइडियाज चलते रहते हैं, हमेशा ख्याल चलते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ठीक है। दे आर कॉन्स्टेंटली थियोराइजिंग, वो हमेशा थियोरीज बनाते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो सोचते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता ना तो मैं तो अपने देश की कायाकल्प ही कर देता, ठीक है। तो मतलब इस तरह से, मतलब एग्जाम्पल दी, इस तरह से उनके दिमाग में मतलब अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं, आइडियाज चलते रहते हैं, दे कॉन्स्टेंटली थियोराइजिंग, मतलब इस तरह के उनमें इनके दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं, ठीक है। एंड दे लॉफ इमॉडरेटली एट एवरी ट्रिफलिंग वर्ड स्पोकन टू हिम, ट्रिफलिंग मीन्स मामूली, उनको अगर कोई भी थोड़ी सी भी बात बोल देता है ना कुछ, मतलब मामूली सी मामूली, कोई छोटी सी छोटी बात उनको बोल देता है, दे लॉफ इमॉडरेटली, वो बहुत ज्यादा हंसते हैं, मतलब इतना ज्यादा उनको, मतलब आप कुछ बोल दिए वो इतना ज्यादा हंसी कैसे लगता है कि आप उनको क्या बोल दिए, ठीक है। दे आर फुल ऑफ फन एंड मिशी, वो शरारतों से भरे हुए होते हैं, ठीक है, खुश मिजाज नेचर के भी होते हैं, हंसते हैं, शरारत भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब वो हंस रहे हैं, शरारत कर रहे हैं तो बस उसी मूड में वो रहेंगे,
वो अचानक से दे परहैप्स मोर्निंग एंड क्राइम, वो रोने भी लगते हैं, कराहने लगते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ग्रेट एप्रिहेंशन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, इन्हें अपने मृत्यु का, अप्रोचिंग डेथ, आने वाले मृत्यु का, अप्रोचिंग डेथ का इन्हें पूर्वाभास हो जाता है, इनको आशंका हो जाती है, इनका इनको ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, ठीक है। डिलीरियम ट्रीमेंस, ठीक है, उनमें हैलुसिनेशन होता है और हैलुसिनेशन के कारण उनमें ट्रीमेंस, ट्रीमर आते हैं, मतलब उनको कपकपी होती है, ठीक है। और उनको क्या होता है, एक्सेसिव लोकेसिटी, वो बहुत ही ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत मतलब कि बात करेंगे, ठीक है, एक्सेसिव लोकेसिटी होती है, बहुत बातूनी होते हैं। और इनमें क्या होता है, एक्सेग्रेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस होता है, इन्हें मतलब ऐसा लगता है कुछ सेकेंड का भी अगर टाइम है ना तो इन्हें ऐसा लगेगा कि वो एजेस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और एक्सेग्रेशन ऑफ टाइम, ये तो टाइम हो गया, कुछ सेकेंड का टाइम उन्हें बहुत ही एजेस के सिमिलर लग रहा है, मतलब सिमिलर लग रहा है। और डिस्टेंस मतलब वो कुछ दूर चलते हैं, ठीक है, एक दो कदम चलेंगे, उन्हें लगता है कि अरे हम तो पूरा माइल्स चल के आ रहे हैं, मतलब कुछ रोज की, कुछ किलोमीटर्स की दूरी उन्हें माइल्स के जैसे लगती है। टाइम सीम्स टू लॉन्ग, उन्हें ऐसा, उन्हें समय लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। समय मतलब कुछ सेकेंड की, कुछ सेकेंड का समय, कुछ क्षण, कुछ पल उन्हें बहुत ज्यादा लगता है। तो इस तरह के होते हैं कैनाबिस इंडिका के पेशेंट। और इनका अगर हेड की बात करें तो इनको हेड में ऐसा सेंसेशन होता है कि देयर कल्वेरिया, जो उनका ब्रेन बॉक्स होता है, इट इज ओपनिंग एंड शटिंग, ओपनिंग एंड शटिंग। उनको ऐसा लगता है कि उनका कल्वेरिया, जो उनका ब्रेन बॉक्स है, वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि इनमें हेडेक विद फ्लैटुलेंस होता है, ठीक है। और अगर इनके जीआईटी की बात करें तो इनको ऐसा सेंसेशन होता है, सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग इन पेरिनियम और नियर एनस, ठीक है। इन्हें पेरिनियम में और नियर एनस, एनस के पास इन्हें स्वेलिंग का सेंसेशन होता है, ठीक है। और जब ये बैठते हैं तो स्वेलिंग का सेंसेशन है इन्हें, और जब ये बैठते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बॉल पे बैठे हैं, ठीक है। इसी तरह का चाइना में भी होता है, लेकिन चाइना में क्या होता है कि जो उनका यूरिन होता है उनमें ड्रोपी म्यूकस टाइप का, उन्हें कुछ चिपचिपा सा म्यूकस टाइप का उनकी यूरिन में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया जीआईटी के बाद। इस तरह से हमने कैनाबिस इंडिका मेडिसिन को कवर कर लिया। अब इसमें हमने क्या क्या देखा, इसकी फैमिली देखी, कॉमन नेम देखा इसका, इसके मेंटल सिम्टम को देखे कि ये काफी सारे से कि ये बहुत ही ज्यादा फॉरगेटफुल होते हैं। हमने कंपेयर भी किया एनाकार्डियम और लेग केनाइनम के साथ। इनका हमने हेडेक देखा, ठीक है, कि हेडेक विद फ्लैटुलेंस होता है, इनमें हेड में सेंसेशन होता है दैट इनका कल्वेरिया ओपन हो रहा है, मतलब ओपन हो रहा है, शट हो रहा है, ठीक है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। इनमें एक्सग्रेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस होता है, एक्सेसिव लोकेसिटी होती है, कॉन्स्टेंटली थियोराइजिंग, वो अपने लास्ट वर्ड और आइडियाज को भूल जाते हैं, ठीक है। जीआईटी में हमने देखा कि इनके इनमें पेरिनियम, इनको सेंसेशन होता है कि इनके पेरिनियम में और नियर एनस इनमें स्वेलिंग है, ठीक है। और जब ये बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बॉल पे बैठे हैं। तो इस तरह से हमने कैनाबिस इंडिका मेडिसिन को कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। मैं भी अपना बेस्ट ट्राई करूंगी आपको एक्सप्लेन कर पाने का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।